परम धाम पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की अंगनाएं ब्रह्म प्रियाएं के चरणों में प्रणाम। प्यारे सुंदर साथी, हम अपने तन के अंदर धाम से आई आत्मा के स्वरूप को निहारें। मैं आत्म स्वरूप होके अपने सतगुरु के चरणों में प्रणाम किया। सतगुरु ने हमारे सिर पर अपने दोनों कोमल हस्त कमल से प्यार भरा आशीर्वाद दिया। और मैं आत्मा भारतवर्ष के बुंदेलखंड में सुंदर श्री परना मिने जहां अक्षरातीत का साक्षात आवेश स्वरूप विराजमान है। परना मिने सुंदर श्री कुम्मट जी, मेरी आत्मा 12 थंभों वाले सिंहासन पर विराजमान अक्षरातीत का वांगमय स्वरूप उस पे मैं फिदा हो गई। उनके चरणों को अपने दिल में दीदार किया। श्री गुम्मट जी की भीतरी परिक्रमा में मैंने देखा कि मेरी संगी आत्माएं जो पहले जागृत होकर जाग चुकी हैं, गुम्मट जी में पहुंच चुकी हैं, उन सबके नूरानी चेहरों को देखकर मेरी आत्मा अनंत आनंद से भर गई। उन सब ने मेरा आवाहन किया और मैं उनके बीच मानो उनसे अरस परस होए के आहिस्ता आहिस्ता मैं
परिक्रमा करने लगी। और वांगमय स्वरूप के सामने खड़ी हो गई और अपनी सुरता से श्री गुम्मट जी की सुंदर श्री तरहटी में विराजमान कंचन रंग के झूले पर साक्षात मेरे धाम के धनी अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से बहुत रस भरी मुद्रा में विराजमान है। उन्हें बेर बेर प्रणाम करके उनके हृदय कमल से सुंदर हुक्म रूपी वृक्ष अवतरित हो रहा है जो वांगमय स्वरूप के अंदर 14 फलों वाले वृक्षों का अवतरण हो रहा है। रास प्रकाश खट ऋतु कलश सनंद खुलासा किरंतन खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार श्री सिंधी मार्फत सागर कयामत नामा इन 14 ग्रंथों के अति मधुर फल मेरी झोली में मेरे आंचल में डाल दिया। उस मधुर फल का रस रस भरे फल कुधनी ने अपने मेहर भरी नजर से मुझे पिलाकर उस अमृत में डुबो दिया और मेरी सुरता अपने मूल वतन की ओर चल गई। इस काल माया के ब्रह्मांड और योग माया के नूरी ब्रह्मांड को पार कर मैंने अपने वतन के नूर को देखा। अनंत विशाल वनों की शोभा पक्षी उनकी डालियों पे बैठे हुए मधुर ध्वनि में पिया पिया तू ही तू पिया पिया तू ही तू का कलरव गान कर रहे। उन वनों के मध्य से रौस पर कोमल रौस पर मैं चलने लगी। मधुर शीतल मंद मंद वायु मुझे स्पर्श कर सुख पहुंचा रही है।
अब आगे पढ़कर धनी की मेहर से नजर उठाती हूं तो अति विशाल सर्वरस सागर के मोहल मंदिर हवेलियां के समक्ष चांदनी चौक चबूतरे वृक्षों की शोभा नूर की रेती मैं उसका प्रेम से अवलोकन करती हुई आगे बढ़ी। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर रॉस पे पहुंची। सामने अनंत रंगों से अनंत रस से भरा हुआ नूरी सर्वरस सागर के मोहल मंदिर त्रिपोलिया से मैं आगे बढ़ी। फिर रॉस, फिर सीढ़ियां, फिर चांदनी चौक, फिर बाग बगीचे और सुंदर सागर। अति विशाल, अति गहरा, अनंत रंगों से भरपूर मेरे पिया के दिल के अनंत रस से मधुर इतनी मीठी प्यारी सुगंध उसके किनारे पे मुझे मिल रही है। तभी मैं देखती हूं कि अति विशाल काय इतना सुंदर मगरमच्छ का रूप धारण कर अनंत नगों से चढ़ा हुआ इतनी प्रकाशवान अनंत रंगों के साथ किनारे पे आ खड़ा हुआ और मेरा आवाहन करता हुआ मुझे बुलाकर अपनी सुंदर पीठ रूपी सेचिया पर बिठाया। उनकी पीठ का सुंदर स्पर्श मेरी आत्मा को रस से भर दिया और वो स्वरूप चौकोर सागर की परिक्रमा करने लगा। उसका जल उछाले मार कर मुझे भिगोता गया। टापू मोहल के चारों तरफ परिक्रमा करता हुआ पश्चिम के किनार पर लगा और मैं वहां से उतरी। फिर वन चांदनी चौक की अद्भुत आभा को निहारते हुए भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर रॉस मोहल मंदिर त्रिपोलिया से बाहर आएकर रॉस मोम भर की सीढ़ियां उतरकर वन
के बीच चांदनी चौक, उसको पार कर, वनों को पार कर, सुंदर विशाल महानद, ऐसी महानद का स्पर्श कर, सामने छोटी रांग की चार चौरस हवेली, अद्भुत, उसकी सुंदर शोभा को निहारते हुए मैं आगे बढ़ी तो वो सुंदर महानद वन की नहरें, पशु पक्षी धनी के प्यार भरे कलरव, मैं आगे बढ़ती गई, महानद से फिर मुलाकात हुई, फिर माणिक पहाड़ का फिरावा, वहां महाबन मधुबन बड़ो बन के विशाल वृक्ष सब माणिक की रंगों को धारण किए हुए, हर सागर के समक्ष रंगों को धारण किए हुए, अति अद्भुत झिलमिलाती हुई बन, आगे सुंदर महानद, जवेरों की नहरें, फिर महानद, मैं देख रही हूं कि हर सागर से खड़ी नहरें इस महानद में उतर रही हैं, और आड़ी नहरें उस जल को अरस परस किए हुए हैं, वो सब इस महानद में आठों सागरों का जल मेरे पिया प्रीतम धनी अक्षरातीत श्री राजी के दिल का रस इस महानद में समा रहा है, भीतरी परिक्रमा के अंदर बाग बगीचे फव्वारे नहरें सबके अंदर इसी महानद से जल, भीतरी परिक्रमा के दक्षिण तरफ कुंज निकुंज के सुंदर मोहल मंदिर, फूलों से सुसज्जित कुंजवन चौकोर वन निकुंज कोल वन, अनंत सुगंध मेरी आत्मा की नासिका से मेरे दिल के अंदर प्रवेश कर रही है, वहां की रेती, वहां की नहरें, वहां के फव्वारे अति शोभायमान हो रहे हैं,
मेरी दाई तरफ उत्तर की तरफ महापन का विशाल वृक्ष मधुबन बड़ोपन उनकी डालियां हिंडोले सुंदर रंग इसको निहारते हुए मैं आगे बढ़ती हूं तो सुंदर श्री यमुना जी उत्तर में अद्भुत रंगों वाला पीला प्रकाश जिसके अंतस में अनंत रंग का पुखराज पहाड़ वहां की तरहटी से सुंदर पांच पेड़ों का दृश्य जो ऊपर आके झरोखे बढ़ते बढ़ते कुल हजार बोम चार धार सोलह धार बंगला से परे अदबीज के कुंड में भूई रूप में गिरती हुई मूल कुंड ढपो चबूतरा जमुना जी मरोर खाए के श्री केल पुल के नीचे दस खड़ नालों से निकल रही है मेरे कदम खुद ब खुद केल पुल पे पहुंच गए एक हीरे का जगमगाता हुआ पांच भूम छठी चांदनी हर भूम पे 220 हिंडोले 1100 हिंडोलों की अद्भुत शोभा रंगों से भरी हुई कोमल सेजिया बिछा हुआ इन हिंडोलों पर हिंडोलों से मधुर नूरी बान वचन ओ मेरी प्यारी आत्मा सखी कितना समय मानो बीत गया आपका संग पाए हुए आओ आओ मुझ पर विराजमान हो जाओ ऐसी सुंदर वाणी सुनकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और मैं स्वतः उस हिंडोलों पर विराजमान हो गई हिंडोलों ने पश्चिम से पूर्व झूलना शुरू किया और मैं देख रही हूं कि उत्तर से दक्षिण वाले भी हिंडोले झूल रहे और वहां अखंड रूप से होने वाली लीलाएं मेरे हृदय में समाहित हो रही है मुझे उसकी किलकारी सुनाई पड़ रही है जो हम सब सखियां एक संग अपने धाम धनी के जुगल स्वरूप के साथ हर हिंडोलों पे लिया करते थे इन्हीं हिंडोलों पर हम पौड़ने का भी सुख लेते थे धनी के साथ
इस शोभा को निहारते हुए झूलने के उन मधुर यादों को अपने अंतस में समाये हुए मैं आगे बढ़ी। सुंदर पाल बड़ो बन के पांच वृक्षों की हार, केल पुल से बट पुल तक, पांच भूम छठी चांदनी, वृक्षों की डालियां आपस में मिली हुई हिंडोले लटकते हुए, जैसे ही मैं पहुंची सारे हिंडोले मानो मेरा आवाहन कर रहे हों और सभी झूलने लगे और मैं उनके नृत्य रूपी झूलने को देखकर अति आनंदित हो उठी। धाम की सुंदर मधुर शीतल वायु के मंद मंद झोंके मेरे मुखारविंद मेरे स्वरूप का रसपान कर रहे। और मैं पाल के मध्य में पहुंचकर मुड़ती हूं पूरब की तरफ मुख करके सामने। मैंने देखा कि तीन छूटक छूटक त्योहरी जहां हम लोग सिंगार करते हैं, बाईं तरफ तीन छूटक छूटक त्योहरी जमुना जी की रौस पर उसकी रेती पर। मैं आगे बढ़ी और जल चबूतरा सुंदर पाट को घाट बारह थंभों वाला केल पुल के नीचे गढ़नालों से पुखराज पहाड़ से अवतरित जमुना जी अनंत वेग के साथ श्वेत नूरी रंग का जल बट पुल तक के घड़नालों तक पहुंचता हुआ दाई ओर मुड़ के हौज कौसर में गिरता हुआ। पाट घाट पश्चिम पूरब दोनों तरफ सोलह नीलम के थंभ पर पाट की शोभा। इस प्रकार से इन 32 थंभों की नीलवी की आभा पूरे जमुना जल को नीला स्वरूप प्रदान करते हुए आसमान का रंग और जमुना जी का रंग मानो एक जैसा हो गया। पाट का घाट पर 12 चार कोनों में चार नीलवी के थंभ, पूरब में दो माणिक के थंभ, दक्षिण में दो हीरा के थंभ, पश्चिम में दो पाच के थंभ, उत्तर में दो पुखराज के थंभ। ऐसे 12 थंभों
की अद्भुत शोभा। पाट से कमर भर ऊंचा कठेड़ा, हर थंब के भीतर गोलाकार सीढ़ियां मुझे ले जाती हैं पाट घाट की चांदनी तक, जहां विध विध के बैठने का साजो सामान। मैं वहां बैठकर केल के पुल को भी देख रही हूं, बट के पुल को भी देख रही हूं, वनों की शोभा को निहार रही हूं। वहां से उतरकर पाट पर आकर जल चबूतरे से होते हुए मैं श्री जमुना जी में प्रवेश कर रही हूं। घड़नालों से निकलती हुई जमुना जी की लहरें अति विशाल काय, सतह से आसमान तक अपने नूर को बिखेरते हुए, आसमान से मिलाप करते हुए वापस सतह पर आकर फिर मिलाप करते हुए आसमान से, और मैं इन लहरों के साथ आसमान को छू रही हूं। आसमान में मैं तैर रही हूं, जो मेरे धाम धनी के दिल का सुंदर स्वरूप है, इश्क से भरा हुआ आसमानी रंग। मेरी आत्मा धाम धनी के हृदयाकाश को छू रहा है और उस हृदय में विराजमान अनंत सागरों का रस जो धाम को घेर कर आया है सब उसमें बस रहा है, और ये लहरें मेरी सहायता कर रही हैं उस आसमान का स्पर्श पाने के लिए। मैं मंत्रमुग्ध अपने पिया के दिल का स्पर्श प्राप्त कर सतह पे पहुंची जमुना जी के तो भी इतनी वेग से भंवर, और मैं भंवर में मानो फंस गई और भंवर ने जमुना जी ने मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया और अपनी तरेटी में ले गए। और जब मैं वहां से अवतरित हुई तो मैं धाम की सुहागिन नार का स्वरूप हो गया। पाट घाट पर पहुंचकर मेरा सिंगार बिल्कुल मेरी सुभान श्यामा जी के जैसा हो गया। वस्त्र और आभूषण, अंगों की नूरी शोभा, लालिमा से भरी हुई गौर रंग अति उज्ज्वल, मैं पाट घाट से आगे बढ़कर छूटक छूटक देहरी में सिंगार के रूप में दर्पण में अपने स्वरूप को देखकर मैं स्वयं लजा गई। अब दिल
उछाले मार रहा है प्रीतम मिलन को उनके उस स्वरूप में जिसमें उन्होंने हमें इस खेल के अंदर उतारा था। हर स्वरूप में मेरे धनी का रस है, और मैं पाल को पार कर मन रौस पुखराजी रौस को पार कर सात घाटों की अद्भुत शोभा मैं अमृत वन में खड़ी केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी पट की शोभा मैं जब अमृत बन के रौस पर कोमल रौस पर खड़ी हुई तो देखा कि दाएं बाएं अमृत बन के वृक्ष डालियां बनाकर रौस के ऊपर मेहराब खड़ी कर देती मेहराबों का स्वरूप उससे लटकते हुए नूरी फलों की शोभा पत्तियों की शोभा और दिल में ऐसा आता है कि धाम धनी फूल बाग से अनंत सुगंध भरे फूलों का हार लेके मेरे गले में डाल देते हैं और मैं उनके साथ चल पड़ती हूं। सुंदर चांदनी चौक रंग मोहल के सामने अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ चौकोर चांदनी चौक दाएं बाएं दो चबूतरे दाएं चबूतरे पे लाल वृक्ष दो भौम तीजी चांदनी बाई तरफ हरे रंग का अशोक का वृक्ष दो भौम तीजी चांदनी चांदनी सामने रंग मोहल के दूजी भौम के झरोखों से मिलान करती हुई सुंदर चांदनी चौक पे नूरी रेती श्वेत रंग की जिसमें लाल वृक्ष और हरे वृक्ष के नूरी किरणें समक्ष रंग मोहल की लाल किरणों के साथ वहां ऐसा प्रतीत होता है कि नूरी किरणें माहों माहें करें जंग प्रेममयी जंग और ये नूर की लहरें किरणें तरंगे सब आसमान से जाकर मिलान करती हैं। और तभी आसमान में सुंदर बादल के स्वरूप संगीत की मधुर ध्वनि प्रारंभ हो जाती है और मैं मंत्र मुक्त उसे सुन रही हूं। तभी मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ मोर मोरनियों का स्वरूप खड़ा हो गया
कितने सुंदर, मानो धाम की वो अनंत शोभा सिंगार उनके सुंदर पंखों में, उनके मुख पर, उनके सिर पर कलंगी के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। उन्होंने अपने सुंदर पंख खोलकर मेरे चारों तरफ एक चंद्रमा तान दिया। कितने रंग बिरंगे, अनंत रंगों से भरा हुआ, बादलों की सुंदर मधुर संगीतमयी गर्जना बढ़ती गई और मोर मोरनिया मेरे चारों तरफ अपने चरण कमल की थाप बढ़ाने लगे। संगीत की लय बढ़ती गई, नृत्य की थाप बढ़ती गई और मुझे घेर कर इतनी तीव्र गति से नृत्य होने लगा कि वो सारे उनके पंखों के रंग आपस में इस तरह से गुथ गए कि मैं भी उस रंग का स्वरूप हो गई। कोयल कोयलियों ने अपनी मधुर कूक सुनाने लगी और तभी मोर मोरनियों ने अपने पंखों का चंद्रवा नीचे कर अपने मूल सुंदर स्वरूप में आ गई और बादलों का संगीत थमा और वहां से सुंदर नूर की बारिश मुझे और मेरे संगी आत्माओं मोर मोरनियों को झिला रही है। हम नूर की बारिश में झीलना कर रंग महल के सामने चांदनी चौक से भोम भर की सीढ़ियां कोमल गिलम पे चढ़ती हुई धाम रौस के चौक पर पहुंची। दाएं बाएं दो चबूतरे, हर चबूतरे के सामने पांच पांच थंब, खुले थंब, हीरा माणिक पांच पुखराज नीलवी, ऐसे ही उत्तर की तरफ मेरी बाईं तरफ और धाम दीवार पर इसके अक्सी थंब। यहां की शोभा अद्भुत है, निराली है। मैं इस चौक के सामने देखती हूं तो सुंदर विशाल काय मुख्य दरवाजा, बुलंद नूरी दरवाजा, लाल रंग की चौखट से सजा हुआ, हरे रंग की बेनी दर्पण रंग के पल्ले और मेरा स्वरूप मेरी परातम के जैसा सुंदर, श्यामा जी के जैसा सुंदर, ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर धनी के मिलन की आस लिए हुए मैं लजा रही हूं। मुख्य दरवाजा स्वतः ही खुल गया और भव्य मेरे घर का दृश्य, 28 स्तंभ का चौक, गिलम साजो सामान से सुसज्जित,
उसकी कोमल गिलम पे मेरे कदम बढ़ने लगे। सामने थंबों की हार, गलियों की हार, चार चौरस हवेलियों को पार कर मैं गोल मूल मिलावे के हवेली में पहुंची। मंदिरों की हार, थंबों की हार, सामने सुंदर चबूतरा, कमर भर ऊंचा, मैं देख रही हूं कि सुंदर थंबों से सुसज्जित मैंने देखा कि मेरे मूल तन दाड़िम की कलियों के जैसे गुथे हुए एक दूसरे से सट कर बैठे हुए मैं अपने आत्मा के तन को भी देख रही हूं, अपने मूल तन को भी देख रही हूं। और हमारे बीचों बीच कमल की आकृति पे विराजमान सुंदर श्री कंचन रंग को सिंहासन छे पाए छे डांडे दस दस रंग चवेरों के झलकते सिंहासन पर सुंदर गादी, गादी पे अनंत रंगों की चित्रकारी इसका आसन। सुंदर पांच तकिए, बेल फूल लताएं नक्काशकारी नक्शे भरी हुई अत्यंत कोमलता को धारण किए हुए मेरे जुगल स्वरूप विराजमान है। सामने सिंहासन के नूर की चौकी दो मेरे प्रीतम के बाया चरण कमल नूर की चौकी पर दाया चरण कमल सिंहासन पर उसकी तली चरण की श्यामा जी की ओर और श्यामा जी उस तली के अंदर विराजमान अनंत रस पान करती हुई मैंने अपना हस्त कमल अपने प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन अक्षरातीत श्री राज जी के चरण तली के नीचे रख दिया। धाम धनी की नजर, मेहर भरी नजर मुझे देख रही है और अपना दाहिना चरण कमल मेरे दूसरे हस्त कमल पर रख दिया। अब मैं इन चरणों के रस को पीने के आतुरता लिए हुए गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए ये चरण तली तली लाख एड़ी लाख में गहरी लीकें लीकों के अंदर मेरे प्रीतम का दिल का अनंत सागरों का अनंत रस भरा हुआ है और यही मेरा प्राण है यही मेरा जीवन है यही मेरी निस्बत है।
ऐसे सुंदर चरण तली, तभी मैंने देखा धाम धनी की मेहर भरी नजर मुझे घेर लेती है और उनकी मेहर से ही मेरे नैन अब ऊपर उठने लगे। अपने अंगों की शोभा धनी मुझे दिखाते हुए चरणों के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर घूंटी, काढ़ो टखना पिंडली, जांघें कमर, पेट पासली पीठ बाजू, हस्त कमल, हरे रंग का सुंदर पाच का इजार, पाच रंग का अद्भुत, लाल रंग का नेफा, दस रंग का इजार बंद, और इस चूड़ीदार इजार के चुन्नटे टखने पर इजार में अनंत बेल फूल पत्ते, नक्काशकारी छापे, कटाव कोतकी कांगरी, धाम के अनंत नगों की शोभा को धारण किए हुए श्वेत रंग जड़ाव को जामा, वक्ष स्थल से चिपके हुए चोली, कमर से नीचे घेरदार दावन जिसमें सुंदर चुन्नटे, चुन्नट भरी बाहें, चरणों में काढ़ो अंग टखना पर झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला की अनंत शोभा, चरणों की शोभा के साथ जुड़कर मन को मोह रही है। गले में सुंदर पांच हार, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, उसकी दुगदुगी लटक रही है अनंत नगों को धारण किए हुए। कंचन रंग के बाजू बंद दोनों बाजुओं पर, हीरा माणिक पांच पुखराज नीलवी के नगों से सुसज्जित, पहुंची पंजों पर काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी, नख का नूर आसमान तक पहुंचती हुई, सुंदर हस्त कमल, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए मेरे गालों को स्पर्श का सुख प्रदान कर रही है। और
मेरे मुखार विंद के नैन अब धनी के मुखार विंद के रूबरू हो गए। गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए तेजो में मानो नूर का सागर ही दे दिव्यमान हो रहा है मेरे धनी के मुखारविंद पर। हरवटी लाख सुंदर कोमल लाल अधुर सुंदर नासिका सुंदर काल श्रवण अंग नासिका में बेसर बेसर में लाल माणिक और मोती लटकते हुए श्रवण अंग में चार चार ऐठन वाली पाली मोती माणिक लटकते हुए सुंदर कालों पर झाई बिखेरती हुई सुंदर नैन कमल श्वेत नैन प्रेम की लालिमा से रंग भरी हुई पुतली तारे चंचल चपल चतुर गतिवान गहरे कुछ गंभीर नैन पलकें पापड़ बरौनिया सुंदर भौहें भौहों के बीच में प्रकुटी निलवट नासिका से तिलक निलवट बीच में लाल रंग की बिंदी चारों तरफ सुनहरी करकरी सुंदर केश किशोर स्वरूप अमृत जुल्फे कांधे तक घुंघराले लटकते हुए अतर से भीगे हुए सुगंधित केश ऐसा दिल में भाव आ गया कि मैं धनी के केश मैं अपनी कोमल अंगुरियां फिरा रही हूं। सुंदर सिंदूरिया रंग का पाग कई फूल पत्ते नक्काशकारी नगों से चढ़ी हुई सारंगी नुमा अति सुंदर पाग शोभा में अनंत मानो इजाफा करती हुई मध्य में चीरा के तीन कलंगी लटकती हुई दुगदुगी दुगदुगी के मध्य में माणिक मेरी प्रीतम की प्रेम की लहर धाम धनी ने मेरे गालों को पकड़कर अपने नैनों के पास लाकर अपने नैनों से जोड़ लिया
चारों पुतली मिलकर तेज पुंज नूर के सागर हो गए। मैं अपने स्वरूप को धनी के नैनों की पुतलियों में देख रही हूं और धनी अपने स्वरूप को मेरे नैनों की पुतलियों में। अब हम दोनों के नैन इतने पास आ चुके हैं कि उसमें वायु भी घुसने का स्थान नहीं। नासिका से ऊष्मा से भरे हुए श्वास मेरे गालों पर पड़ रहे हैं और मैं उसे महसूस कर रही। धनी ने मेहर से भरकर मेरे नैनों को अपनी बाईं तरफ घुमा दिया, जहां पे मेरे प्रीतम का दिल का खिलवत स्वरूप श्यामा महारानी मेरी सुभान विराजमान है। सुंदर मुखड़ा, ऐसा सुंदर नूरी मुखार बिंदु गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए सुंदर हरवटी लाख अधर नासिका, सुंदर गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए गाल, श्रवण अंग में पानड़ी, नासिका में बेसर लाल मोती लटकती हुई, सुंदर बके अनियारे नैन आधे घूंघट में छिपे हुए ढके हुए, सुंदर निलवट पे लाल रंग की बेंदी, राखड़ी सुंदर हीरा से सुसज्जित निलवट पर, मानो उसका नूर मेरे दिल को नूरी बना दिया। सुंदर केश श्याम रंग का, बीच में सुंदर मांग पानड़ी की शोभा, सुंदर केश की तीन चोटियां गुथी हुई परांदों के साथ नीचे गोफनड़े लटक रहे, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए पीठ पीठ पे श्याम रंग की कचुकी के तनिया, और ये चोटी श्याम रंग की गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए सुंदर पीठ की लाख पर लहराती है और मैं इन चोटियों से अरस परस हो के अपने प्रिय सुभान श्यामा जी के पीठ का से अरस परस हो रही हूं। लाल रंग की साड़ी, अनंत फूल लताएं बेल नक्काशकारी छापे कटाव खुद की कांगरी की शोभा, अनंत नगों से चढ़ी हुई
श्याम रंग जड़ाव की कचकी के नीचे करतनी, नीले रंग का चरनिया, गले में सुंदर हार, गले से चिपकी हुई कंठ सरी, कंठ सरी के अंदर इतने नग, हम 12,000 नगों को कंठ सरी रूप में मेरी श्यामा जी ने अपने गले से लगा रखा है। हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का तन श्यामा जी के गले से लटकी हुई, हीरा माणिक पांच पुखराज नीलवी, मणि लसनिया पन्ना मोती, सारे रंग नगों के इस कंठ सरी में आए हुए। कंठ सरी के नीचे 5 हार, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, उसके नीचे चीड़ का हार, ऐसे सुंदर हार मेरी श्यामा जी के वक्ष स्थल पर लटके हुए। तभी इन हारों से सुंदर ध्वनि, आओ मेरी प्यारी सखी, मैं इस अद्भुत दृश्य को देखकर बलिहारी जाती हूं और मैं स्वतः ही इन हारों से कह पड़ी कि ओ मेरी प्यारी सखियां, तुम कितनी सौभाग्यशाली हो कि जो मेरे सुभान श्यामा जी के गले से चिपकी हुई हो। सखियों का सुंदर पड़ उत्तर मेरे दिल को लुभा गया, कह पड़ी, हां सखी आप बिल्कुल सत्य कह रही हो, लेकिन आप तो हमारे सुभान के दिल में बसती हो और सुभान धाम धनी अक्षरातीत के दिल में बसते हैं और हम सब मूलतः अक्षरातीत के दिल का रस पीती हुई वहीं पर विराजमान होते हैं। ऐसे उत्तर पढ़ उत्तर लुभावनी को सुनकर आनंद से भर गई, बाहों पे बाजू बंद, कोहनी कलाई पहुंची, नवचूड़ नव घड़ी, मुंद्री अंगूठे में अंगूठी, आरसी और हीरे की, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला टखने पर सुंदर कौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल, अंगूठे अंगुरिया अनवट बिछिया की विशेष शोभा, इन चरण कमलों को बेर बेर निहार रही हूं, उसका रसपान अपने नैनों से कर रही हूं। धनी की जुगल स्वरूप की इस अद्भुत
नूरी स्वरूप को अपने हृदय में मैं आत्मा अखंड कर रही हूं। इस सुंदर स्वरूप को अपने दिल में लिए हुए मूल मिलावे का दीदार कर रही हूं। पांच दाएं बाएं लगते हुए नीलवी के थंब पूरब की तरफ, ठीक इसके सामने पांच के सामने नीलवी, नीलवी के सामने पांच के थंब, उत्तर की तरफ दो माणिक के थंब, दो पुखराज के थंब, दो माणिक के थंब, दक्षिण की तरफ पुखराज के सामने माणिक के थंब और माणिक के सामने पुखराज के थंब, इन 16 थंबों की अद्भुत शोभा, चारों खांचों में 12-12 थंब, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, ये सारे थंबों के बीच में नूर की दीवाल, ऊपर नूर की झालर फिरावा लेती हुई चबूतरे का, नीचे कठेड़ा, गिलम, 60 लाल पश्मी तकिए, और हम सब सखियां गलबैयां डालकर ताड़िम की कलियों की तरह राज्य को, श्यामा जी को, जुगल स्वरूप को घेर कर बैठी। चंद्रवा पांच रंग का, नूर की झालर लटकती हुई, नूर की लरें कितनी शोभायमान हो रही। तभी दिल में राज्य ने ये सुंदर विचार दे दिया कि ओ मेरी प्यारी सखियों, तुम कितना लाड़ में भरकर हमें घेर के बैठकर आनंदित हो रही हो, लेकिन तुम अपनी नजर तो फिराओ, मैं 64 थंबों के रूप में तुम्हारे को घेर कर बैठा हूं। चंद्रमा के रूप में मैं तुम्हें मानो नूर की बारिश कर रहा हूं, गिलम से भी मैं 10 दिशाओं से तुम्हें घेर के बैठा हूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में बैठी हो। ऐसे सुंदर उत्तर पड़ उत्तर की ध्वनि मेरे दिल में अखंड रूप से विराजमान हो जाती है, और मैं ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने अंतस में भरे हुए रंग महल से बाहर वनों की तरफ आती हूं। नदी की परिक्रमा को पार कर, पांचों फिरावे को पार कर, सर्वरस सागर को पार कर, वनों को पार कर, योग माया को पार कर, काल माया के इस मृत्युलोक में विराजमान मेरा ये 5 तत्व के शरीर में मैं अपनी आत्मा को स्थित देखती हूं, और उस आत्मा के दिल में धाम धनी का अखंड स्वरूप श्री गुम्मट जी में अपने प्रीतम के चरणों में पैर